झील के निकट ही अपना खाना पीना कर रहे थे, वहाँ पे फोन से सेल्फी वगैरह ले रहे थे समय। झील से पैर फिसल गया और वो पैर फिसलने की वजह से वो बेचारा हमारा एक भाई अविनाश डूब के मर गया। उसमें पर्यटक विभाग है, यहाँ पर इनका कोई व्यवस्था नहीं है, न तार फैंस है न कुछ है, और आए दिन इसके हादसे होते रहते हैं। जहां एक तरफ दीपावली के पर्व पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों के साथ दीपावली की पार्टी करने के लिए गए 24 वर्षीय युवक की दमदमा झील में डूब जाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अविनाश जैसे ही दमदमा झील के पास से गुजर रहा था, वैसे ही उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह झील में डूब गया, जिसकी काफी देर तक तलाश की गई। झील के अंदर स्थानीय लोग व फायर कर्मी उसे ढूंढते रहे, लेकिन जब तक वहां मिला तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ जाके अपना थोड़ा पीना खाना करा, पीना खाना करने के बाद में इनको हल्का फुल्का नशा हुआ था, और नशा होने के बाद में ये झील के निकट ही अपना खाना पीना कर रहे थे, वहां पे फोन से सेल्फी वगैरह ले रहे थे समय। तो ये पैर फिसल गया, पैर फिसल के जैसे झील में गया तो जो इसके दोस्त थे और उन्होंने निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन निकालने में असमर्थ रहे। मरने वाले की उम्र 24 से 25 साल उम्र है और अविनाश नाम है, पिताजी का नाम चतर सिंह है। क्या काम करते थे? ये एक फार्म हाउस में ड्यूटी करता था। दमदमा झील के अंदर होने वाले हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने पर्यटन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि झील पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक दो महीने में झील के अंदर डूबने से किसी न किसी की जान जा रही है, लेकिन पर्यटन विभाग यहां पर बढ़ते हादसों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जिन्होंने ना तो यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं और ना ही कोई तार फेसिंग या बाउंड्री वॉल की हुई है, यानी कि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसके अलावा झील का पानी कम होने पर झील के अंदर जेसीबी मशीनों से अवैध खनन करके गहरे गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं, जो कि झील में पानी भरने के बाद हादसों का कारण बनते हैं। ये बच्चे वहाँ पे गए हुए थे अपना घूमने फिरने के लिए, तो इनका झील से पैर फिसल गया और वो पैर फिसलने की वजह से वो बेचारा हमारा एक भाई अविनाश डूब के मर गया। उसमें पानी सूख जाता है तो उसमें अवैध खनन का काम होता है, मट्टियाँ उसमें 20-20 फुट तक नीचे तक गड्ढे हो रखे हैं, उसमें ये नहीं पता कि कौन आदमी कहाँ कैसे मर जाए, और पेड़ कटते हैं। प्रशासन पूरी तरह से मौन है इसमें, पूरा अवैध खनन का जो इस पर पूरा जोरों पर है और पूरा इसमें प्रशासन का पूरा हाथ है। तो हम तो यही डिमांड करेंगे कि अवैध खनन को रोका जाए, इस तरह के हादसे ना हो। पिछले दो महीने पहले भी हमारे सोना का एक भाई इसमें एक्सपायर हुआ था, अब हमारा कल ये भाई एक्सपायर हुआ है। आगे ये जो घटना दोबारा से ना हो, इसके लिए प्रशासन से हम मांग करते हैं। मूलचंद जी, ये क्या हादसा हुआ है आपके गाँव? ये जी ऐसा है, हमारे जो पर्यटक विभाग है यहाँ पर इनका कोई व्यवस्था नहीं है, न तार फैंस है न कुछ है, और आए दिन इसके हादसे होते रहते हैं। पिछले महीने में भी इसका हादसा हुआ था। तो हमारी तो मांग यही है कि भाई इसके प्रशासन से, एक भाई इसके तार फैन से होनी चाहिए, और या कोई चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड छोड़े जा। बता दें कि दीपावली के दिन घटित हुई इस दर्दनाक घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोहना सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सोहना नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाते हुए मामले की आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान युवक की मौत झील में पैर फिसल कर डूबने से पाई जाती है, या फिर युवक की मौत के पीछे किसी अन्य साजिश का खुलासा होता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।